नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा ड्रेसमेकर। और मैंने यहाँ आज आपको बताने वाली हूँ ब्लाउज़ की स्टिचिंग। जो ब्लाउज़ मैंने पहले वीडियो में आपको कटिंग सिखाई थी उसी का ये पार्ट टू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बैक पार्ट है और इसके बाकी हिस्से हैं। तो मैंने बैक पार्ट इसको निकाल लिया है। अब बैक पार्ट को मैं देखिए इसको दोनों साइड से उल्टा करके रखा हुआ है। ऊपर की तरफ उल्टी तरफ से है और नीचे हमने इसको सीधा किया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपने नेक पे सिलाई लगाएंगे और नीचे जो है उस पे सिलाई लगा दें, उसके बाद इसको पलट लेंगे। तो चलिए हम स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी। तो देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ और जो हमारा गला है नेक है उस पर लगा लेंगे। देखिए इसमें हमें पक्की सिलाई लगानी है और बिल्कुल ज़्यादा नहीं, हाफ इंच छोड़ के ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये बैक की नीचे की साइड सिलाई लग चुकी है और अब हम इसके नेक पे सिलाई लगाएंगे। तो नेक पर भी हम इसी तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जैसे आपको दिख रहा है बिल्कुल हाफ इंच या थोड़ा ही हाफ इंच से कम ही हमें बारीक बारीक छोड़ देना है और जो शेप है नेक का उसी पे हमें उसी बराबर बराबर करके सिलाई लगा लेनी है, जिससे नेक में जो शेप है वो बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से जो नेक का एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा है आपको, उसको हम कट कर देंगे और इस तरीके से छोटे छोटे बारीक कट लगा देंगे इसमें, तो जिससे फोल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका गला बिल्कुल सटीक निकल के आएगा। तो चलिए अब हम इसको पलट लेंगे और सीधा कर देंगे पलट कर। ये देखिए अब हम इसको सीधा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये देखिए अभी आपको एकदम से नेक और जो है परफेक्ट आएगा और इसमें कोई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही है। अब हम इस पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे जिससे ये पक्का हो जाए और बिल्कुल सही से सेट हो जाए। फिर हम इसके पे जो बारीक है अल्टर कर लेंगे किनारे किनारे पे। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते। देखिए ये सिलाई लग चुकी है इधर, तो हम इसको अब कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका। ये देखिए अब हम इसको अलग कर देते हैं। ये कपड़ा देखिए हमने एक्स्ट्रा था जो निकाल दिया है। अब इस पर प्लेट्स लगा देंगे बैक में। ये देखिए इसमें मार्क थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू ब्लू सा है। तो मैं इस पर अभी आपको सही करके दिखाऊंगी। ये देखिए इसको मोड़ के अभी मैं आपको मेज़र भी कर दूंगी। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड 3.5 इंच यानी 3.5 इंच इस पर मार्क करके और 1.5 इंच की प्लेट लगानी है। इसकी लेंथ रहेगी 5 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमें 1.5 इंच दोनों साइड रख के बराबर करके नाप लेना है और इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। यानी एक प्लेट 1.5 इंच की इसकी गहराई रहेगी और लंबाई रहेगी 5 इंच का। तो इस तरीके से दोनों साइड लग जाएगी और ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से दोनों साइड हम बराबर बराबर लगा लेंगे, इसको मेज़र करके सेंटर से मेज़र कर लेंगे और इसको बराबर बराबर करके लगा लेंगे। तो देखिए हमने दोनों प्लेट्स लगा ली हैं इस तरीके से। तो चलिए ये हमारा बैक पार्ट रेडी है, अब हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट के जो पार्ट हैं इसका अस्तर और जो मेन कपड़ा है वो भी, इसको भी हमने सेम उल्टा करके रखा हुआ है। सीधे को अंदर की तरफ है और उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ। तो इसको हम पहले नेक पे सिलाई लगाएंगे और जो इसका तीरा है बेल्ट उसको भी इसी तरीके से सिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेक पे सिलाई लगाएंगे इसकी नेक को सीधा करने के लिए। तो नेक को भी हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ के हाफ हाफ इंच या उससे भी कम और सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा लेंगे, जिससे इसमें जो भी सिकुड़न आती है या तो वो नहीं रहेगी और अच्छा निकल के आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है जिससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा यहाँ पर। और जो हमारा इसका आर्म होल का है उस पर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये अस्तर मेन कपड़े के साथ सेट हो जाएगा इसी तरीके से। तो देखिए ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है और ये हमारा ऊपर का कपड़ा जो है वो रेडी है। अब हम इसका बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो बेल्ट को भी हमने उल्टा ही रखा हुआ है, उल्टा करके सिलेंगे और उसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई इस तरीके से रख के हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए अब हम इसको इस तरीके से सिलाई लगा के यहाँ पे इसको मोड़ लेंगे और पलट के सही कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ये देखिए और सीधा करके भी इस पर हम नीचे नीचे किनारे पे सिलाई लगा देंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा और सेट हो जाएगा कपड़े के साथ में, अस्तर के साथ में। तो ये देखिए ये हमने कर दिया है और एकदम से सेट हो गया बिल्कुल। ये देखिए अब हम इसको
यहाँ से इस तरीके से सिलेंगे। तो पहले हम प्लेट्स लगाएंगे, तो प्लेट्स के लिए हम इसको रेडी करेंगे। ये देखिए, ये प्लेट्स आपको अब दिखाई दे रही होंगी। तो हम इस तरीके से ये प्लेट्स लगाई हुई हैं। मैंने जो पहले का पार्ट था उसमें इसको मेज़र करके बताया है, तो वो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसकी कटिंग का पूरा वीडियो है। तो इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे दोनों साइड। देखिए अब हम इस पर कैसे करते हैं। तो ये हमने रख लिया कपड़ा, ये मार्किंग जो आपको दिख रही होगी, तो इस तरीक़ों से हम इसको मोड़ लेंगे और यहाँ पे जो है मार्क वो जो उसको हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा नीचे वाली प्लेट्स है इसकी, इस तरीके से ये छोटी रहती है, इस पर मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से, ये छोटी रहेगी लेकिन गहरी रहती है, जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस तरीके से हम जितने भी मार्क लगे हुए हैं उन सभी में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे आर्म होल में है उसको थोड़ा सा गहराई देंगे, ज़्यादा नहीं, हाफ इंच से भी थोड़ा कम, और इस तरीके से हम इसको सिल लेंगे। और जो साइड वाले प्लेट्स रहता है उसको हमें बिल्कुल बारीक देनी होती है, बिल्कुल पतली करके उसको, गहराई नहीं लगानी होती है इसमें। इस तरीके से बस हमें इसको सिल लेना होता है, और हम इसको डबल कर लेंगे क्योंकि ये पक्की हो जाए इसलिए। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसका पफ कितना अच्छा निकल कर आया है, एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है। ये पहनने के बाद आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो अब हम इसमें बेल्ट जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, इसको बेल्ट को हम यहाँ पे इसको पलट के रख देंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाते समय ये ध्यान रखें कि इसको दोनों को आमने सामने रखना है, और जो हमने प्लेट्स लगाई है उसको दबाना नहीं है, उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करके हमें हल्के से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम पलट के एक बार और सिलाई लगा देंगे, जिससे ये सही से बैठ जाएगा यहाँ पर और पक्का भी हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये बेल्ट में हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो इससे क्या है, हमारे पफ को वैसा का वैसा ही रहेगा, जो हमारा बेल्ट के ऊपर जो पफ आया है वो एकदम से अच्छा दिखेगा। ये देखिए कितना सही दिख रहा है, परफेक्ट। और हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। तो अब हमारा ये फ्रंट का पार्ट बन चुका है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ये देखिए, और ये बिल्कुल सही तरीके से सिलाई हुई है इसकी, आप देख सकते हैं बराबर बराबर है सब कुछ। तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर पे दोनों को, दोनों पार्ट मिला के सिल लेंगे, बैक का और फ्रंट का। तो हम बैक पार्ट भी इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पे पौना इंच में या हाफ इंच से हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। तो सिलाई लगाते देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें आर्म होल कंप्लीट करने हैं, तो इसके लिए हमें पहले स्लीव कंप्लीट करनी होगी। तो स्लीव मैंने पहले ही कट करके बता दी थी आपको, इसमें मैं सिर्फ स्टिचिंग बताऊंगी इसकी। तो हम इसको नीचे से सिल लेंगे, जैसे कि हमने दोनों पार्ट कंप्लीट किए थे उसी तरीके से स्लीव को भी हमें डबल ऊपर नीचे रख के आमने सामने सिल लेना है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई करके अब हम इसको पलट के एक सिलाई और लगा देंगे, और अपने अंगूठे के मदद से जो नाखून है उससे प्रेस करते हुए जाएंगे, तो ये वहाँ से कपड़ा सीधा हो जाएगा, इस तरीके से सीधा हो जाएगा। अब हम इस पर नीचे नीचे सिलाई लगा देंगे, एक बारीक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, और ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे, पूरा बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है, जिससे थोड़ा अच्छा दिखेगा। और इसमें लेस आप चाहें तो लगा सकते हैं, मैंने लेस का और नहीं किया है, लेस नहीं लगाई है। इसको बस हम सेट कर देंगे सीधा रख के, बराबर बराबर करते हुए इसको हम सिलाई लगा देंगे अस्तर पे। तो ये मेन कपड़ा और ये दोनों जुड़ जाएंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, और स्लीव हमारी रेडी है सिल के। तो बस अब हम इसको यहाँ से कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे यहाँ से, और जो भी धागा वगैरह है आप उसको भी साथ में निकालते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव्स कर ली हैं कंप्लीट।
ये देखिए अस्तर को सिल के बराबर कर लिया है। अब हम इसको जोड़ देंगे, इसमें अटैच करना रह गया है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो हमने सेंटर में मार्क किया है उसको सेंटर टू सेंटर मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्क और कर लेंगे जिससे ये क्लियर दिखे आपको। ये देखिए तो इसको सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हम मेज़र कर लेंगे कि कितना कहाँ पे आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम करते हुए अब यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे इसको, जिससे कि स्लीव्स का जो सेंटर है और हमारे ब्लाउज का सेंटर है वो बराबर पड़े, तो स्लीव की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। आप कभी भी इस तरीके से करेंगे तो आपके स्लीव कभी भी ख़राब नहीं होगी, बराबर मेज़र आएगा इसका, सही से बैठेगी। तो इस तरीके से हमने इसको अलट पलट के दोनों को सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए तो इसको सिलाई करके यहाँ से बराबर बराबर सिल लेंगे, और आप डबल सिलाई कर लें तो इससे पक्का हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए हम डबल सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं, और मैंने इसको किनारे पे इन पट्टी लगानी है और साइड में सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और पट्टी लगा लेंगे, बस हमारा ब्लाउज रेडी है। ये पट्टी मैंने इसको कट करी थी एक्स्ट्रा। तो देखिए मैं इसकी आपको लेंथ बता देती हूँ, वैसे तो आप चाहे जितना आपकी लेंथ है उस हिसाब से ले सकते हैं, बट मैं इसको आपको मेज़र करके भी दिखाऊंगी कि इसको मैंने कितनी चौड़ाई ली है। देखिए इसको मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई ली है, और लंबाई इसकी इसके अकॉर्डिंग है। ये देखिए इसमें 7 इंच इसकी लंबाई है जो, और तो मैंने इसको 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है पलटने के लिए। तो ये हमारी पट्टी है, तो इनको हम लगा लेंगे। देखिए इसको दोनों साइड से मैंने रेडी कर रखा है। अगर आपको पट्टी बनाना नहीं आता है, बिगनर्स हो, तो फिर मैं इसको भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी इसके लिए। तो चलिए हम इसकी साइड से सिलाई लगा ले। तो मैंने फ्रंट में इसको साइड से सिलाई लगा ली है, और अब हम इसको पलट के उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, इससे इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी दिखेगी। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको अंदर का पार्ट है उसको दबा देंगे, और इस पर ऊपर से मेज़र करके सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, और फिर हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा इसको हम यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हमें क्या करना होगा, स्लीव्स जितनी भी हमारी इसकी चौड़ाई रहेगी, गोलाई रहेगी हाथ की, उस हिसाब से हम इस पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 6.5 इंच की जो है निशान मार्क किया है मैंने, अब यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूँगी जो उसके अकॉर्डिंग पहले मार्क था उसी से, और इसको हम मेज़र कर लेंगे। मेज़र करके इसको यहाँ पे मार्क कर दूँगी मैं यहाँ पे, और उससे आसानी रहेगी आपको। तो इस तरीके से मैं स्केल की हेल्प लेके इसको सीधा कर देती हूँ मार्क को। ये देखिए इस तरीके से तो दोनों साइड मार्क लगा हुआ है मेरा। तो अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे, और सिलाई लगाते ही हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। ये देखिए तो दोनों साइड अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए इसको ध्यान से दोनों पार्ट बराबर बराबर रख लेने हैं, और सिलाई लगा लेनी है इसको यहाँ से। अभी दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारे ये दोनों सिलाई पक्की हो चुकी हैं और कंप्लीट है हमारा ब्लाउज़। तो देखिए इस धागे को मैं निकाल दूंगी और इसको सीधा कर लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ब्लाउज़ सिलकर रेडी है और एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है आपको, पफ भी इसके क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया वीडियो लेकर जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।